ये है ईटीवी भारत और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। झारखंड में पीएम मोदी, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के पेशम में की चुनावी रैली, गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा प्रत्याशियों के लिए किया प्रचार। मंत्री आलमगीर आलम से ईडी की पूछताछ, 35 करोड़ कैश को लेकर सवाल जवाब। टेंडर घोटाला मामले में ईडी ने मंत्री को जारी किया था समन। ईडी की कार्रवाई ने बढ़ाई झारखंड की सियासी तपिश। मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ को लेकर भाजपा ने की इस्तीफे की मांग। मंत्री के बचाव में उतरी कांग्रेस, कहा बेबुनियाद है सभी आरोप। झारखंड में पहले चरण के लोकसभा चुनाव पर आकलन का दौर शुरू। बीजेपी कर रही पहले चरण की सभी 4 सीटें जीतने का दावा। कांग्रेस का दावा, जनता ने मोदी सरकार के खिलाफ किया है मतदान। पलामू के बूढ़ा पहाड़ से वोटिंग कराकर लौटे मतदान कर्मी, बताया इलाके में खत्म हुआ खौफ का साम्राज्य। पहाड़ पर 8 मतदान केंद्रों पर हेलीकॉप्टर से भेजी गई थी पोलिंग पार्टी। धनबाद में बरवाटाड़ पंचायत के खाकुडी गांव में लोगों ने किया वोट बहिष्कार। 15 साल से सड़क नहीं बनने से हैं नाराज, सांसद और विधायक के खिलाफ की नारेबाजी, कहा रोड नहीं तो वोट नहीं। पलामू में सड़क हादसा, NHI 4 लेन पर ट्रेलर ने बाइक सवार को रौंदा, युवक की मौके पर मौत। गुस्साए ग्रामीणों की अंडरपास बनाने की मांग। गिरिडीह में करंट लगने से शख्स की मौत, खेत में गिरे हाई टेंशन तार की चपेट में आने से गई जान। बगोदर के धरगुल्ली गांव की घटना। चतरा पुलिस की कार्रवाई, शिकंजे में आया शातिर अपराधी लालू साव, करीब 3 किलो अफीम और 1 देसी बंदूक बरामद। चोरी और लूटपाट की कई घटनाओं में थी तलाश। धनबाद की सड़कों पर उतरा पीके, फिल्मी अंदाज में लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक कर रहे कलाकार गणेश तूरी। मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर जिला प्रशासन की अनोखी पहल। खबरों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।